प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर से कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल का सफल संचालन किया जा रहा है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पांच अन्य प्रमुख शहरों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार है या अंतिम चरण में है। इन शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए उल्लास का क्षण है। वास्तव में मेट्रो जैसा सुरक्षित और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवंबर के आसपास कानपुर और आगरा मेट्रो को देश को समर्पित करने की स्थिति में होंगे और प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इसका शुभारंभ कराया जाए। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि वडोदरा के उपक्रम में कोविड काल के प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन को समय से पहले उपलब्ध कराया गया है। सीएम ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी साकार हो रही है। मुख्यमंत्री ने आगरा व कानपुर मेट्रो के प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन के वर्चुअल अनावरण के दौरान वडोदरा से जुड़े यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक मेसर्स एल्स्टॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक समेत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके लिए बधाई भी दी। अवसर पर जब एक रिकॉर्ड समय में बनकर प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा होने वाला है, मैं एल्स्टॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के एमडी श्री अलास्कौर को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं उनसे निवेदन करती हूँ ध्वनि के साथ उनका जोरदार स्वागत करते हैं। कम ऑन एवरीवन, उत्तर मेट्रो परियोजनाओं के मामले में पहले ही अग्रणी राज्य है और अब होने जा रहा है। एल्स्टॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की सांगली स्थित इस प्लांट में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेन का निर्माण मेक इन इंडिया अभियान के तहत हो रहा है। एल्स्टॉम की निर्मित की गई अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय मेट्रो ट्रेन कई फीचर्स से लैस है। कानपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में मेट्रो रेल परियोजना एक अत्यंत सुविधाजनक परिवहन माध्यम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेंट है, बहुत आभारी है। कानपुर मेट्रो बिल्कुल तैयार है, प्रस्थान करने के लिए प्रस्थान कर रही है। इसी के साथ अपनी पहली झलक दिखाते हुए कानपुर मेट्रो नजरों के समक्ष देख पा रहे हैं कि इसकी पहली झलक है। हम सब में उत्साह बहुत। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एल्स्टॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक समेत वडोदरा में उपस्थित सभी महानुभाव, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश
कि कानपुर और आगरा मेट्रो ट्रेन के लिए आज वहां पर पहले इस प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन के अनावरण के लिए वर्चुअली मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और मेसर्स एल्स्टॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत उल्लास का क्षण है। मेट्रो आज की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यह बेहतरीन माध्यम है और मैं आप मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश आज अपने चार शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा का संचालन कर रहा है, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और वर्तमान में हम लोग कानपुर और आगरा में मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की कार्य पद्धति को देखा है। बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे कोरोना जैसी महामारी भी इनके कार्य में बाधा नहीं बन पाई और यही कारण है कि हम यह अपेक्षा कर रहे हैं कि 30 नवंबर के आसपास हम लोग कानपुर मेट्रो रेल को देश को समर्पित करने की स्थिति में होंगे और हमारा प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस सुविधा को हम लोग लोकार्पित कर सकें। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज का ये कार्यक्रम, जिसे हम अक्सर हमें अन्य संस्थाओं पर या विदेशी संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, आज प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि हम लोग बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सकें। और जो मुझे बताया गया कि प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन ये बड़ोदरा के ही एक उपक्रम में बनकर के एक समय सीमा के पहले कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए यह हमें उपलब्ध कराया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों की साझेदारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में कानपुर और आगरा में मेट्रो की सुविधा को उपलब्ध कराने पर युद्ध स्तर पर कार्य कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ में भी मेट्रो की सेवा के लिए हम लोग या तो DPR बना करके भेज चुके हैं या फिर DPR की प्रक्रिया हमारी अंतिम स्थिति में है और बहुत शीघ्र हम लोग इन शहरों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सेवा को उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे।
आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रोटोटाइप ट्रेन के इस वर्चुअली अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर मेसर्स एस्टॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इस अभियान को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।